है, तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप अपने घर पे बना के भी बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफा बहुत ही प्यारा बहुत ही मज़ेदार सा देख सकते हो आप। और प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप ना करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्रेड आलू और अंडे का क्रिस्पी कबाब बनाने जा रही हूँ, एकदम यूनिक स्टाइल से। तो आप इसे देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ अंडे का क्रिस्पी कबाब। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्रेड आलू और अंडे का क्रिस्पी मज़ेदार सा कबाब बनाने जा रही हूँ, जो कि हर घर में बचा हुआ ब्रेड रहता है, तो मैं उसी से ट्राई कर रही। मेरे पास तीन बचा था, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। आप देख सकते हो इसमें मैंने पानी डाला है, और जब ये भीग जाएगा अच्छे से, तो हम इसे अच्छे से दबा के इसका पानी हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं ऐसे करके, मैं इसका पूरा पानी निचोड़ लूँगी। पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा ख़राब हो जाएगा, गीला हो जाएगा। देखिए मैंने पानी डाला और पूरे पानी मैंने निचोड़ लिए, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक आलू बॉयल करके इसे मैंने क्रश कर लिया है ऑलरेडी, पहले से बड़े साइज़ का था। और इसमें हम ब्रेड डाल देंगे जो मैंने, और एक अंडा मैंने पहले से ही क्रश करके रखा था बॉयल करके, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ है, और हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज को मैंने क्रश करके इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे सब ऐड कर देंगे एक एक करके। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। अब यहाँ पे कुछ मसाले हैं, देख सकते हो, कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला एक चम्मच आधा चम्मच सॉरी गरम मसाला आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया और नमक, और काला नमक मैंने एक चुटकी लिया हुआ है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये आधा आधा चम्मच लेमन जूस, ये भी ऐड कर दूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने दो चम्मच चावल काटा लिया है, जिससे ये क्रिस्पी बनता है। चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, दो फॉर्म में आ जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आ रही है ना मसाले की, सारे मसाले की सारी खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा बनता है। और ये रमज़ान में स्नैक के भी, इफ्तारी में भी काम आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लिया है, ग्रीस किया कि ये चिपके नहीं, और एक छोटा सा लेंगे। मैं दो तरीके से बनाऊंगी, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहें बना सकते हैं। एक तो मैं रोल शेप में बनाऊंगी, एक ये रख दिया, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी शेप देना चाहें वो बन सकते हैं। मैंने एक ये शेप दिया है, अब एक एक करके मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखो, ये बन गए हैं, ये शेप के देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बन गया है, दो ही शेप के बनाए हैं। आपकी मर्जी, इससे अलग भी आप डिज़ाइन चाहे तो बना सकते हो। मैंने एक रोल बनाया है और एक ओवल शेप दिया हुआ है, ठीक है। आपको तो जैसा शेप समझ में आए वैसा बना सकते हो, फिलहाल तो हमने अभी दो ही शेप बनाए, ठीक है। अभी जैसे पकने के बाद हम आपको बताते हैं फ्राई होने के बाद।
ये ब्रेड क्रम लिया है और एक एक करके इसमें मैं ब्रेड क्रम से कोट कर लेती हूँ। मैं देख सकते हो अच्छे से कोट हो चुका है। इसको भी दिखा देती हूँ, और प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि रेसिपी कैसे है। मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। आप देख सकते हो मैंने एक एक करके सब कोट करके रख दिया है, और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया हुआ है, ऑयल डाल दिया है और हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पहले मैं एक डाल के चेक करती हूँ। अब आप देखिए घर में सबके घर में ब्रेड बचा हुआ रहता है, वो बचे हुए ब्रेड से कितना अच्छा स्नैक बन के तैयार हो गया, जो हमारे इफ्तार में भी अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। और इतने सारे 3 ब्रेड में और 2 आलू में इतने सारे बन के तैयार हो गए, तो हम इसे फ्राई कर लेते। देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आया है और क्रिस्पी सा फ्राई भी हो गया है। हमने ब्रेड अंडा आलू का कबाब बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लजीज बनता है। एक बार आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी इफ्तारी में शामिल ज़रूर करिएगा। फिर आपको कैसा लगा बनाने के बाद वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ ऐसे ही दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते फिर दिखाते आपको। सब बन के रेडी है, ब्रेड अंडा आलू कबाब बहुत ही प्यारा बहुत ही मज़ेदार सा देख सकते हो। और प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप ना करें तो आपको समझेगा। मैंने 2 शेप बनाए देख सकते हो। अब इसे आप चाहें तो चटनी से खा सकते हो, इंजॉय करिए रमज़ान में। हमारा रमज़ान जा भी रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा और क्रिस्पी सा बना हुआ है। अब ये चटनी के साथ भी खा सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी सा बना है, कितना यम्मी सा है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है आप लोग ये देख लीजिए कितना अच्छा बना है। ठीक है अंडा ब्रेड वाला, ठीक है ब्रेड अंडा आलू का कबाब। हाँ ब्रेड अंडा आलू का कबाब, ठीक है बहुत ही अच्छा बना और काफ़ी क्रिस्पी बना है और काफ़ी अच्छा भी है। और आप चटनी के साथ देख सकते हो, चटनी के साथ भी खा सकते हो। ठीक है तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप अपने घर पे बना के भी बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हाँ बेल आइकन दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर आने वाली नई वीडियो का। ठीक है तो आपको देख रही कैसा टेस्टी सा बना है, कैसा कबाब बना है, तो उसी तरह आप भी बनाइए ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।